हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो जीरो बैलेंस में। और इसको ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। और आपका जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो है कि आपको तुरंत ही मिल जाएंगे अकाउंट ओपन करते ही। और साथ ही साथ आपको इसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो ये रहा मेरा आईडी, आप जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी में ब्राउजर को ओपन करना है। देन ब्राउजर को ओपन करते ही आपको गूगल में सर्च करना है कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस अकाउंट। देन आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो www.kotak.com। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। सो गाइस, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कोटक महिंद्रा का वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो गया है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। देन सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करनी है। सो गाइस, स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको दिख जाता है कोटक महिंद्रा का जो मेंटेन बैलेंस है वो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें आपको कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 6% का इंटरेस्ट भी आपको दिया जाता है। और बात करें तो यहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यानी कि आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो इसके लिए आपको ब्रांच भी विजिट नहीं करना पड़ता है, और ना कोई आपको इसमें कोई फीस देना पड़ता है, और ना कोई इसमें आपको कोई डिपॉजिट भी करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर दिया है। देन उसके बाद आपको इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देनी है, दोनों बॉक्स में। तो चलिए मैं टिक आउट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन नाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, ओपन नाउ पे क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया हो उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP कोड भेजा जाएगा, और साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाएगा। अगर आपको OTP कोड नहीं मिलती है तो आप रिसेंड OTP पे क्लिक करके अपने OTP कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। तो चलिए, मेरे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आ गया, तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सो गाइस, तो मैंने OTP कोड यहाँ पे एंटर कर दिया। देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस, तो मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर दिया है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP कोड भेजा जाएगा, जिसके ज़रिए आपका eKYC होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
सो गाइस कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो कि यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। चलिए मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आ गया है, तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने ओटीपी कोड यहाँ पे इंटर कर दिया, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो चलिए वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने अपने आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी एड्रेस है डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे फर्स्ट में आपको हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने यहाँ पे अपना हाउस का नंबर इंटर कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेटली स्ट्रीट नेम, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना लोकेटली इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने अपने हिसाब से अपना लोकेटली यहाँ पे इंटर कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया या फिर लैंडमार्क, तो चलिए मैं अपने एरिया यहाँ पे इंटर कर देता हूँ धनबाद। सो गाइस तो मैंने यहाँ पे धनबाद इंटर कर दिया अपने एरिया, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया पिन कोड इंटर करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड इंटर कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो जेंडर में आप जो भी हो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो मेल फीमेल, तो चलिए मैं यहाँ से फीमेल ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं एक महिला का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रोल डाउन कर लेना सबसे पहले, देन उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना है आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो चलिए मैं यहाँ से मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशनल सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए ऑक्यूपेशनल में आप इनमें से जो भी हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या आप चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो हाउस वाइफ है और एक महिला है। देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाएगा एनुअल इनकम, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे आपको अपना सालाना इनकम सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका इनकम जो भी हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम इंटर कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम इंटर करना है, तो चलिए मैं अपने फादर का नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो गाइस तो मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पे इंटर कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम इंटर करना है, चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने अपने मदर का नाम यहाँ पे इंटर कर दिया, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको अपने नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं नॉमिनी को बाद में ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको इस बॉक्स में टिक आउट कर देनी है।
सो गाइस उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप चाहे तो अभी भी यहाँ से अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, तो एक बार आपको इसको चेक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे, और आपको केवाईसी के लिए आपको ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको सब में यहाँ पे टिक आउट कर देनी है। देन आपको यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में टिक आउट ही रहने देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं अपना लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको ब्रांच का भी एड्रेस दिख जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना एम पिन क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं अपना एम पिन यहाँ पे 6 डिजिट का इंटर कर लेता हूँ। चलिए मैं 7 3 5 0 5। सो गाइस तो मैंने अपना एम पिन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा अपना एम पिन। चलिए 7 3 5 0 5। सो गाइस मैंने अपना एम पिन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और एम पिन आपको भूलना नहीं है, एम पिन आपको याद रखना है। देन यहाँ पे आप जो भी एम पिन क्रिएट किए हो वो पिन आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड में सेट कर दिया जाएगा। यानी कि जब भी आप उस डेबिट कार्ड में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपसे ये एम पिन जो है कि आपका एटीएम का पिन बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना, आपको भूलना नहीं है अपना एम पिन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप चाहे तो इस अकाउंट नंबर को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको CRN नंबर आपको यहाँ पे दिख जाता है, तो इस नंबर को आपको कहीं नोट कर लेना है। देन आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है IFSC कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा IFSC कोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है 0 बैलेंस है। आप चाहे तो इसमें मनी भी ऐड कर सकते हो। सो गैस आपको स्क्रॉल डाउन करनी है। सो गैस तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डेबिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, देन आपके अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड पे दिख जाएगा। सो गैस यहाँ पे आपको दिख जाएगा शो। तो यहाँ पे आप जैसे ही शो पे क्लिक करोगे आपके डेबिट कार्ड का जो भी CVV नंबर है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको जो है कि मोबाइल बैंकिंग जो है कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको कोटक महिंद्रा का ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको ये CVV नंबर, सॉरी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा CRN नंबर। तो इस नंबर को आपको इंटर कर लेना है वहाँ पर, और जो भी आपने एम पिन क्रिएट की हो उस एम पिन को वहाँ पर आपको इंटर करना है। देन आपका जो कोटक महिंद्रा का मोबाइल बैंकिंग है एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। देन अपॉइंटमेंट बुक करके आप जो है कि अपने घर पे KYC करवा सकते हो। KYC करवाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था इसका प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट ओपन करना सीख गए होंगे। तो ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।